लंकापति रावण, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अनीति, अनाचार, अधर्म और बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक। त्रेता युग में अधर्म के अवतार का कलयुग में भी दानव के रूप में संहार किया जाता है। लेकिन दिल्ली के ही एक गांव तातारपुर के लिए दशानन रावण खलनायक नहीं बल्कि नायक हैं, क्योंकि इसी दशानन की वजह से उनके घर में पूंजी का आगमन होता है। जी हाँ, पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन में दशहरे के करीब महीने भर पहले से ही सिर्फ रावण ही रावण यहाँ दिखते हैं। ये जगह तातारपुर गांव में आती है और यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, रामलीला शुरू होने से पहले ही रावण के पुतले बनाने में लग जाते हैं। अगर इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि लगभग 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बाबा यहां आकर रावण बनाने का काम करने लगे और उन्होंने यहां के लोगों को भी रावण बनाना सिखा दिया। लोग उन्हें रावण वाले बाबा कहा करते थे। वो एक बाबा आए थे शुरू में, जिन्होंने रावण के पुतले बनाने चालू किए थे और वो उनका नाम ही रावण वाले बाबा पड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उनके शागिर्द बनाने लगे और ये इसका जो है रावण की मार्केट बन गई। तातारपुर गांव के लोगों के लिए रावण सिर्फ आजीविका का साधन भर नहीं है, बल्कि यहां के लोग तो शौक में भी रावण बनाते हैं। रावण बनाने के लिए लोहा, बांस, रद्दी, पेपर, फाइबर, कपड़े, वायर और आतिशबाजी के लिए जरूरी वस्तुओं की जरूरत होती है। इन सभी वस्तुओं के साथ रावण के पुतले जब तैयार होते हैं तो लंबे और डरावने दशानन के भयानक पुतले का वो दृश्य देखने लायक होता है। लेकिन इस गांव में अधिकतर रावण 20 से 40 फुट के ही बनते हैं। 40 फुट से बड़े रावण के लिए पुलिस से इजाजत की जरूरत होती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मौसम की मार का खतरा तो रहता ही है। वक्त के साथ साथ रावण की इस मंडी के लोग जीएसटी की मार से भी परेशान हैं। आगे से जो माल लाते हैं, बांस वगैरह, कागज हो गया, साड़ियाँ होगी, जो भी सामान इसमें लगता है, हर चीज पे जीएसटी दे करके आ रहे हैं। रावण का पुतला उतने का ही है, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले पुतले के पैसे वही मिल रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। तातारपुर के रावण दिल्ली से दूर दराज के क्षेत्रों और विदेशों तक में भेजे जाते हैं। तातारपुर गांव के बारे में एक अफवाह ये भी है कि यहां के लोग दशहरा नहीं मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तातारपुर के लोगों का रावण से अनोखा रिश्ता जरूर है, लेकिन बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पर्व में वो भी शरीक होते हैं। NTI पॉकेट टीवी परिवार की ओर से आप सभी को भी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। NTI पॉकेट टीवी के लिए जयराम की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।